हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलिमा और मेरे चैनल कैश किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लिंगड़ का अचार, जिसे लिंगड़े, कसरोड और फेडल हेड कॉर्न भी कहा जाता है। ये आमतौर पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के पहाड़ों में पाए जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कैश किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लिंगड़ का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए लिंगड़ 500 ग्राम, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून इसे उबालने के लिए, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून अचार बनाने के लिए, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, रायता पाउडर 2 टेबलस्पून, सरसों का तेल 1/4 कप। इसे धुआं आने तक गर्म कर लें और वापस से ठंडा करने रख दें। सबसे पहले लिंगड़ को एक एक करके लें। इसे किचन टॉवल या फिर कोई भी साफ कपड़े से अच्छे से साफ कर लें, क्योंकि इनमें बाहर रेशे होते हैं। अब लिंगड़ के नीचे वाले पार्ट को काट दें और हटा दें। अब लिंगड़ को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लें। इसे अच्छे से धो लें और छान लें। अब एक बर्तन में पानी बॉईल करने रख दें। उबलते हुए पानी में लिंगड़ डाल दें। इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दें। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। इसे 4 से 5 मिनट तक उबलने दें। अब इसे छान लें। अब इसको धूप में अच्छे से सूखने दें, ताकि कोई भी मॉइस्चर इसमें ना रह जाए। आप चाहें तो इसे पैन के नीचे भी सुखा सकते हैं। अचार बनाते वक्त एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, वरना अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। अब एक मिक्सिंग बोल लें, इसमें लिंगड़, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और राई पाउडर डालें। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें सरसों का तेल डालें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। लीजिए, यम्मी और टैंगी लिंगड़ का अचार तैयार है। इसे एक स्टरलाइज्ड ग्लास बॉटल या फिर जार में डाल दें। इसे 2 से 3 दिन तक 2 से 3 घंटे धूप में रखें। बीच बीच में इसे शेक करते रहें। लीजिए, लिंगड़ का अचार तैयार है। इसे पराठा, दाल राइस या फिर रोटी सब्जी के साथ सर्व करें और इसके मज़े लें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।